नेता प्रतिपक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हमीरपुर के निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा, देहरा के निर्दलीय विधायक होशियार सिंह और भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र भुट्टो के साथ पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के निवास स्थान हमीरपुर में मुलाकात की। तीनों नेताओं ने भाजपा में शामिल होने के बाद पहली बार पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के निवास स्थान समीरपुर में शिष्टाचार भेंट की। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। कांग्रेस ने टेक्निकल ग्राउंड पर सरकार को बचाने में सफलता तो हासिल की, लेकिन कांग्रेस की सरकार बजट सत्र के दौरान ही गिर चुकी थी, क्योंकि मार्शलों के बल पर भाजपा के 15 विधायकों को बजट सत्र से बाहर निकाला था। कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में है, उसके ऊपर बहुत बड़ा एक आज की तारीख में हम कह सकते हैं कि संकट है। सरकार बहुमत में नहीं है, भले ही सरकार टेक्निकल ग्राउंड्स पे उन्हें बचाई है, लेकिन हकीकत यह है कि सरकार उसी दिन ही गिर चुकी है जिस दिन बजट पारित करने के लिए उन्हें भारतीय जनता पार्टी के 15 विधायकों को सस्पेंड करके 100 कमांडो के माध्यम से उठा करके बाहर फेंका। वहीं देहरा के निर्दलीय विधायक होशियार सिंह ने कहा कि भाजपा में शामिल होने के बाद पहली बार वे पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल से शिष्टाचार भेंट करने पहुंचे हैं और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त किया है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष द्वारा इस्तीफा कबूल न करने पर कहा कि प्रदेश कांग्रेस सरकार द्वारा लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार चुनाव करने से कतरा रही है। प्रत्यक्ष सामने नजर आया कि हम अपने आप अपने स्वेच्छा से हमने इस्तीफा दिया और उसके बाद भी जो है स्पीकर जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है उसका दुरुपयोग हुआ और उन्होंने हमारा इस्तीफा आज दिन तक मंजूर नहीं किया। और उसके अलावा हमें एक नोटिस दिया गया कि आप ये बताएं कि आप पे कोई दबाव था या आपके ऊपर कोई ऐसा कोई दूसरा कोई कारण था कि आप इस्तीफा क्यों दे रहे। तो हमने कहा कि हमने अपने इच्छा से दिया। हमीरपुर सदर के विधायक आशीष शर्मा ने बताया कि इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री के साथ आगामी लोकसभा व विधानसभा उपचुनावों को लेकर व्यापक चर्चा की एवं भाजपा की झोली में लोकसभा व विधानसभा की सभी सीटें डालने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय धूमल साहब से उनके निवास स्थान पे शिष्टाचार भेंट की। भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद पहली बार आज उनका आशीर्वाद लेने पहुंचा और आगामी लोकसभा चुनाव के बारे में उनसे विस्तार में चर्चा हुई और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और भविष्य में जो भी रणनीति भाजपा और आदरणीय धूमल जी बनाएंगे उसी के तहत आगे चलना है।